आज हम चलते हैं मोमोज बनाने। तो यहाँ पे हमने सिंपल में ही ले लिया है, प्याज कट कर लिया है, शिमला मिर्च कट कर लिया है, यहाँ पे हमने सोयाबीन कट कर लिया है, छोटा वाला सोयाबीन है तो उसे हम लोग कट कर लिए हैं, और यहाँ पे पत्ता गोभी। तो आज हम इसी चार सामान से हम बनाएंगे मोमोज। तो अभी हम मोमोज का मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया है, उसमें हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मेरा ऑयल गर्म हो जाता है, उसके बाद मुझे इसमें जीरा पचफोरन वाला ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा लाल हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं प्याज, ताकि मेरा प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए। तो यहाँ पे मेरा प्याज भी लाल हो चुका है, तो इसमें मुझे ऐड कर लेना है मिर्चा, शिमला मिर्च वाला। थोड़ी देर तक इसको भी हम भून लेते हैं। तो इसके साथ साथ मुझे डाल लेना है सोयाबीन। कुछ देर तक हम सोयाबीन भी भूजेंगे। तो यहाँ पे मेरा सोयाबीन भी भूज चुका है, तो इसमें हम डाल लेते हैं पत्ता गोभी, ताकि मेरा पत्ता गोभी इसके साथ साथ भी हो जाएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मुझे कुछ डालना नहीं है, सिर्फ स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाला भी ऐड कर लेना है, इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं, हल्का सा सिर्फ। उसके बाद मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐड करके मसाला भी मिक्स कर लिया है, तो इसको थोड़ी देर तक भूनने दें। तो इसी देर तरह हम कुछ देर तक भूनते रहेंगे। तो फाइनली मेरा बन के रेडी हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ चुका है। तो अभी हम चल रहे हैं मोमोज बनाने। तो हमने आटा भी गूंथ लिया है, अभी इधर अभी हमने दूध भी गर्म कर लिया। तो मेरा दूध गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम सस्ता जुगाड़ू सामान लाए हैं। तो यहाँ पे हम पानी गर्म करते हैं, तब तक चल रहे हैं दूध उतार के। तो पानी गर्म करके तब तक आप लोग बने रहिएगा एंड तक। मैंने छोटा छोटा लोई कट कर लिया है, तो अभी यहाँ पे हमने इतना छोटा छोटा बना लिए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं बनाने मोमोज। मेरा मोमोज बन के रेडी हो चुका है, और इधर हमने चटनी भी रेडी कर लिया है। तो ये मेरी मम्मी ने चटनी बनाया है, और अभी हमारा पानी भी गर्म होने वाला ही है। तो इसमें हम जुगाड़ू क्या पकड़ाते हैं, अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये रहा मेरा भौकी, तो इसमें हम रखेंगे, इसमें हम ऐसे करके ऐसे बैठा देंगे, तो मेरा ये नीचे भी नहीं जाएगा, इसमें से भाप आएगा। तो अभी हम इसे निकाल देते हैं, क्योंकि अभी मेरा पानी गर्म हो जाए और अच्छी तरह से, तब हम इस पे रख के डालेंगे मोमोज। तब तक हम और मोमोज भी बना लेते हैं। मेरा देख सकते हैं भाप आने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें हम एक एक करके मोमोज सारा रख लेते हैं। तो ऐसे करके रख लिए हैं, तो इसे हम ढक देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा भाप आना शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे मेरा पकना भी स्टार्ट हो चुका है। भाप के चक्कर में शीशा भी पोछ लेते हैं। तो अभी हम इसे अभी ढक लेते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा बन के रेडी हो चुका है मोमोज। तो आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए, और कमेंट में करके बताइए कि हम कैसे बनाए हैं, सिंपल में और एकदम सादा मोमोज।